अतीत से लौटे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तथा बहन होलिका वृंदावन पहुंच बनाते हैं विध्वंसक योजना। भक्त प्रहलाद की स्मृति में होली मनाते हैं ना लोग, इस बार की होली होलिका मनाएगी। अग्नि की होली, मृत्यु की होली। वृंदावन में भय का जाल बिछाने अपने कदम चलती है होलिका। विष्णु, तुमने वस्त्र से ही अपने भक्त की रक्षा की थी, अब यही वस्त्र इन वृंदावन वासियों के अंत का कारण बनेगा। और कंस सेवक भद्राक्ष हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को भड़का उन्हें प्रेरित करता है श्री कृष्ण की हत्या करने। उस बहुरूपी का अंत करने के लिए हमें भी बहुरूपिया बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को चुनौती देने तथा अपना प्रतिशोध लेने का संकल्प ले हिरण्याक्ष के शरीर को अग्नि में तपा अनश्वर बनाता है हिरण्यकश्यप। दामोदर जी, क्या हुआ आपको? मेरे पूरे शरीर में अग्नि दौड़ रही है। और अग्नि में गांव वालों को जलता देख हतप्रभ रह जाते हैं कृष्ण। अब कैसे करेंगे कान्हा होलिका की अग्नि से अपने भक्तों की रक्षा? पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की लीला को छल समझी होलिका लेती है भगवान विष्णु के भक्तों से अपना प्रतिशोध। परम अवतार श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हें माया रचने का कोई अवसर नहीं दूंगी। अब मैं जलाऊंगी होली तुम्हारे प्रिय वृंदावन वासियों की। परंतु उन्हें बचाने में श्री कृष्ण को करना पड़ता है असहायता का सामना। मेरे साथ अधर्म करके भी तुम मेरे सम्मुख आने का दुस्साहस कर रहे हो। मैं किसी के साथ भी अधर्म नहीं करता। तो छल पूर्वक क्यों किया तुमने मेरा अंत? श्री कृष्ण से अपना पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेती है होलिका और प्रथम बार अग्नि में ध्वस्त होता है संपूर्ण वृंदावन, जिसमें बलि चढ़ती है अबोध वृंदावन वासियों की श्री कृष्ण की आंखों के सामने। सभी वृंदावन वासी मिल होलिका के आतंक के विरुद्ध करते हैं भगवान विष्णु की आराधना और श्री कृष्ण करेंगे होलिका का उद्धार। होलिका, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था किंतु तुम नहीं मानी, अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। ये साधारण सा दूध मुझे कैसे जला रहा है? ये कोई साधारण दूध नहीं है, अभी तो इसमें सारे वृंदावन वासियों की भक्ति भरी हुई है। अंत कर दो इस होलिका का, अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। श्री कृष्ण वृंदावन वासियों संग मिलकर पूर्णतः करते हैं होलिका दहन, जिससे क्रोधित हिरण्याक्ष असुरी रूप धारण कर गिराता है वृंदावन को पाताल में। चलाओ इस गुलेल को और रोक दो इन तीरों की वर्षा को। कोई नष्ट नहीं कर सकता मेरे तीरों की शक्ति को। वृंदावन को पाताल में धंसा कान्हा को वराह अवतार लेने के लिए बाध्य करता है पूर्व जन्म का असुर हिरण्याक्ष। जीवित नहीं बचेगा तू। अरे इन कश्यप, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। एक बार पुनः अपनी लीला में फंसा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भ्रमित कर देते हैं कान्हा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। इतने वर्षों से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष मेरे लिए भटक रहे हैं, ये कान्हा की माया ही है कि इनके मन में जो मेरे लिए भक्ति है उसका प्रतिफल इन दोनों को मिल रहा है। मेरे द्वारपालों को कान्हा मुक्ति से पहले एक बार सेवा करने का अवसर दे रहे हैं। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भ्राता, मैं अभी अंत करता हूं इसका। रणाक्ष, ज्येष्ठ हूं मैं, इसका अंत मैं करूंगा। नहीं भ्राता, पिछले जन्म में विष्णु के अवतार का अंत करने का प्रथम प्रयास मैंने ही किया था, इसलिए अमर होने का प्रथम अवसर तो मुझे ही मिलना चाहिए। आपस में लड़ने का समय नहीं है।
इसे चाहे कोई भी मारे, विजय दैत्यों की ही होगी। इसलिए दैत्य राज होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है, तीनों लोगों का स्वामी बनने के पश्चात तुम्हारा विवाह मैं धरती से करवा दूंगा। वचन देता हूं। नहीं भ्राता, महाबलशाली का निर्णय तो बल से ही होना चाहिए, अतः जिसमें बल है वही इसे मारे। मैं छोटा हुआ तो क्या हुआ, बल तो है मेरे भीतर। अरे महाराज, पहले दोनों में से कोई कोई जाके मार दो वाकुम। अरे बाद में लड़ते रहना कि अधिपति कौन बनेगा, अभी ये तीनों लोगों को अधिपति जीवित है। कहां पर सुनाएंगे तेरा पहले आवाज में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। क्या हुआ, क्या निर्णय लेने में कोई कठिनाई हो रही है? जब तुम सामने हो तो कठिनाई कैसे। अब तुम ही निर्णय लो कि कौन बनेगा इस संसार का अधिपति, कौन मारेगा तुम्हें। मैं बोला, मैं कैसे निर्णय कर सकता हूँ? तुमने तो मुझे धन संकट में डाल दिया, अब अपनी मृत्यु का निर्णय मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? इसी में तुम्हारी भलाई है, शीघ्र निर्णय लो। बल से तो तुम्हारी योगी तासीर नहीं हो सकती, क्योंकि तुम दोनों ही महाबली हो, किंतु एक मार्ग है मेरे पास तुम्हारी शीर्षता सिद्ध करने का, यदि स्वीकार है तो बताओ असुरराज। शीघ्र बताओ क्या मार्ग है तुम्हारे पास। इस संसार का अधिपति होने के लिए अधीर हो रहा हूँ मैं, और मैं तुम्हें मारने के लिए। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्ष, मैं धरती को पाताल ले जाने वाला हिरणा, मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। अखिलेश, तो क्या मुझे इस ड्रेस में देखकर भी तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगे? कुनिका, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। अखिलेश, आई थिंक आई नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तुम अभी तक अपने एक्स वाइफ को भुला नहीं पा रहे हो ना? चाहे जितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन सामने आ ही जाती है लड़की। इससे पहले की गलती से वो अम्मा के सामने आ जाए, मुझे उसे बताना होगा कि वो अम्मा से मिलने की कोशिश ना करे। ये काजल तुम्हें तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम्हारे हाथों से माधव के गाल पर लगाना है। फिर देखना, माधव तुम्हारे प्यार में ऐसा पागल हो जाएगा, ऐसा पागल हो जाएगा कि बस। ये तूने किया है, ये तूने किया है, हाँ या ना? हमें काहे मार रही हो पगली? पता कि आपके अंदर दर्द पैदा हो, दर्द। जय भवानी। आपको जैसे ही देखते हैं ना, तो हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ओके। पायल, जब ये इंसान ही नकली है तो पुष्कर ने 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पता कहाँ से ला दिया? पहले से कई सवाल मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। सौदेबाजी करनी है तो पैसे लाओ और लड़की ले जाओ। मंजूर, तो आज शाम सेम प्लेस, आई विल बी वेटिंग। आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है, बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो रही बात तुम मैं और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा।